को बता दें बीजेपी का बढ़ रहा है कुनबा। बीजेपी में शामिल हुए पंजाब के नेता अश्विनी सेखड़ी अमित शाह से मुलाकात कर थामा बीजेपी का दामन। एक दो दिन में होगा औपचारिक ऐलान। तो इस समय की बड़ी खबर, बीजेपी में का कुनबा बढ़ रहा है और बीजेपी में अमित शाह से मुलाकात करने के बाद पंजाब के नेता अश्विनी सेखड़ी शामिल हुए हैं। एक दो दिन के अंदर औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो ये और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली के ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। राजीव, बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है और पंजाब की सियासत में भी हलचल मच गई होगी। अश्विनी सेखड़ी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, फिलहाल किस तरह से देखते हैं आप इस खबर को? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पंजाब की राजनीति में अश्विनी सेखड़ी कद्दावर नेता है। कांग्रेस से 70 साल से जुड़ा हुआ है, इनके परिवार का, इनके पिताजी दादाजी सभी लोग कांग्रेसी रहे हैं और ये भी कांग्रेस से ही राजनीति करते रहे। कांग्रेस की जब सरकार थी तो ये राज्य सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए बताया कि यह मुलाकात 45 मिनट चली और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा कि पंजाब का जो मेरा इलाका है, मेरा जो क्षेत्र है, या पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है और वहाँ पे हालात ठीक नहीं है और ऐसे में आज देश में अगर विकास हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने जो एक कदम उठाया है या पीएम के जो डेवलपमेंट के काम है उनको देखते हुए आज जी कह रहा है कि आने वाले समय में अगर कोई विकास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी में उसे आना ही पड़ेगा, यह उनका स्टेटमेंट था। तो यह सोच करके उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जो औपचारिकता है उनका कहना था कि मंगलवार को पार्टी आला कमान कहेंगे तो दिल्ली में, कहेंगे तो चंडीगढ़ में, मैं जो है पूर्ण रूप से जो है भाजपा ही हो जाऊंगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने आज अपने परिवार के साथ ज्वाइन कर लिया है जी। ऐसे में सेखड़ी अब बीजेपी में शामिल हो गए तो क्या कुछ जिम्मेदारी भी मिली है, उसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक जन आधार वाले नेता है पंजाब में और ऐसे में माना जा रहा है कि इनको जो है पार्टी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी समय जो कुछ भी कर रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पुनवा बढ़ा रही हो या एनडीए का जो पुनवा बढ़ाया जा रहा है, या 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नजर देश के सभी लोकसभा सीटों पर बनी हुई है, एक एक सीट को भारतीय जनता पार्टी वॉच कर रही है कैसे इसे जीतना है। तो इस क्रम में देखा जाए तो जैसा कि हालांकि उन्होंने खुल करके नहीं बताया, अगर संभावना ऐसी भी जताई जा रही है कि अश्विनी सेखड़ी को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव भी लड़ा सकती है जी। ऐसे में अगर बात करें कि पंजाब की राजनीति में इस बात का कितना असर होगा, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं सेखड़ी का अपना दबदबा है उनके क्षेत्र के अंदर। बिल्कुल, देखिए अश्विनी सेखड़ी जैसा कि कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं पंजाब में और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, तो इस बात पर इंकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जन नेता है, लोग इन लोग जनता के बीच में रहते हैं और क्योंकि इनका एक रसूख रहा है, इनके पिताजी और इनके दादाजी भी राजनीति रहे हैं, लोगों की सेवा की है, जनता की सेवा की है, तो ऐसे में आज पूरे परिवार के साथ अपने बेटा बेटियों के साथ जो है अमित शाह से मिले हैं और उन्होंने कहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, अमित शाह से मुलाकात करने के बाद पंजाब के नेता सेखड़ी ने बीजेपी का थामन थाम लिया है।